हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। भाई तो अपन आ गए फ्रेंड्स लोअर परेल। रोअल परेल आपको पता है भाई, अभी ये मुंबई का पूरा ऑफिशियल एरिया हो चुका, जिधर मिले हुआ करती थी पहले, सेंचुरी मिल, ये मिल, वो मिल, सब मिले टूटकर अब यहाँ पे आईटी हब बन चुका है, ऑफिसेस बन गए हैं। और तो यहाँ पे कैसे आया, तो भाई पहले मैं गया एयरपोर्ट, 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया और उसके बाद सीएनजी नहीं भर पाया दोस्तों, क्योंकि सीएनजी का रेट कम हुआ तो सीएनजी अपडेट होने लगा, तो सीएनजी भर नहीं पाया एयरपोर्ट पे, काफी लेट हो गया। अंदर गया 2 बज गया और 2 बजे के बाद जो गंदा फेयर मिला ना भाई, जो ये लोग ने हरकतें किया, इतना बुरा फेयर कि आप लोग पूछो मत। फाइनली एक उठाना ही पड़ा बैठ के, क्या करता, एक अंटा फिल का मुझे 14 किलोमीटर का एक बुकिंग लगता है ये उबर का, मैंने उठा लिया। 185 रुपया उबर ने दिया है और पहला बुकिंग वहां पे कम्प्लीट हुआ और मैं अंटा फिल से फिर 8 किलोमीटर भाई यहाँ लोअर परेल आ रहा हूँ। और लोअर परेल मैंने सीएनजी परेल में मैंने भरा, परेल सीएनजी भरा और वहां से डायरेक्ट राइट मार के फ्लाईओवर से मैं लोअर परेल आ गया हूँ। लोअर परेल का ये एरिया आप लोग देख लो, तो इस तरह से एक बुकिंग हुआ। ये स्काई वगैरह पूरा मस्त एरिया है, सुबह के टाइम तो यहाँ फट्टे ट्रैफिक होता है भाई। एक बुकिंग आई है फ्रेंड्स, 116 रुपया उठा लिया हूँ प्रभा देवी का, 6 मिनट का दिखा रहा है, देखते हैं अपने को कन्फर्म होता है कि नहीं। अच्छा यार, एक उठा लिया भाई मैंने 116 रुपया। चलो फ्रेंड ये बुकिंग कंप्लीट करके डिटेल बताता हूँ। ये देखो यहाँ से मुझे बुकिंग लगा था, वन वर्ल्ड सेंटर लोअर सीट लगा था और पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस यही आ गया। 1.7 किलोमीटर था जिसका 110 रुपया मिला है और 4 मिनट लगे मुझे। मैं बोला ले लेता यार, फटाक से छोटी मोटी बुकिंग है, क्या छोड़ना है इसको। देखो फ्रेंड 110 रुपया, 1.7 किलोमीटर खड़ा हूँ लोअर परेल, वन वर्ल्ड की सीट है और पैलेडियम फोनिक्स मॉल भी आगे ही है। तो चाय पीता हूँ यहाँ पे और बुकिंग का वेट करता हूँ अभी। तो फ्रेंड अब आ गया हूँ मैं T1 एयरपोर्ट पर, तो पैसेंजर को अभी ड्रॉप किया। ये मैं ओला से मुझे एक बुकिंग लगी थी, तो उसके पहले मैं लोअर परेल में था, जो मुझे बुकिंग आई थी एक थाने का आया था। पहले एक छोटा 1 किलोमीटर का कंप्लीट किया, उसके बाद उबर का मुझे थाने का एक बुकिंग लगा, थाने ईस्ट का था और टोल के आनंद नगर टोल के आगे से राइट था। तो वहां का जो बुकिंग का जो फेयर मिला था मुझे कुछ 330 और 45 रुपया टोल, कुछ 380 के आसपास मिला था। पैसेंजर को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके वैसे निकलने लगा तो मुझे मुलुंड ईस्ट से एक बुकिंग लगा, मुलुंड ईस्ट ही जा रहा था मैं, तो मुलुंड ईस्ट से मुझे ओला का बस था T1। तो अभी देखो T1 के एंट्रेंस से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो T1 का जो फेयर मुझे मिला है 267 रुपया 19 किलोमीटर का, बहुत ही कम ओला का मिला है, उबर का तो ठीक ठाक मिला था। तो इस तरह से 3 बुकिंग उबर में और 1 बुकिंग ओला में कंप्लीट कर लिया और T1 से निकल रहा हूँ और T1 के बाहर जा रहा हूँ। अपने अरुण भाई आज फिर से मिल रहे हैं, जो 3 बार अपने से मिल चुके हैं, उनके साथ 2 बार मैंने वीडियो भी बनाया है। तो T2 पे पैसेंजर ड्रॉप करके वो भी भाई साहब आ रहे हैं, तो आगे AVN होटल है, उसके वो सिग्नल क्रॉस करके अपन वहां पे अरुण भाई से मिलते हैं और थोड़े बात वगैरह करते हैं। उन्होंने LED लाइट लगाया हुआ है, एक LED लाइट लगवाया हुआ है, फॉग लैम्प, LED फॉग, बोल रहे बहुत मस्त लाइट है। मैं बोला अच्छा चलो दिखाओ भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अपना लाइट बोल रहा भाई देख लो। मैं बोला ठीक है भाई चलो तुम्हारा लाइट देखते हैं तुम आ जाओ। तो अरुण भाई अभी यहाँ मिलेंगे, जस्ट ये सिग्नल क्रॉस कर रहा हूँ और ये सिग्नल क्रॉस करके अभी अरुण भाई यहाँ पे मिलने वाले हैं अपने को। तो चलो जनता यहाँ से बुकिंग का जो हाल होगा वो भी आप लोग को बता दूंगा कि बुकिंग कहाँ की मिलती है कहाँ की नहीं मिलती, पूरी डिटेल दे दूंगा। अभी तक जो काम हुए पूरा वो भी आप लोग को बता देता हूँ, अभी पहले यहाँ पे रुकता हूँ मैं। तो फ्रेंड उबर में जो काम हुआ है 700 का हुआ है और ओला में 266 रुपए का काम हुआ है, जो लास्ट बुकिंग अभी मैं लेके आया था। तो इस तरह से जो काम अपना हुआ है तो 750 रुपए का काम हो गया और T1 के पास खड़ा हूं मैं। तो थोड़ा देर इंतजार करता हूं और बुकिंग का वेट करता हूं और निकलता हूं यहां से, जब तक अरुण भाई का वेट कर लेता हूं, आते हैं कि नहीं आते हैं देखता हूं, उनका LED लाइट देखना है मुझे। तो जब तक अरुण भाई को आने दो और जब तक यहां वेट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। नमस्कार फ्रेंड, क्या बोलती पब्लिक, वापस T2 पे आ गए ले अपन। तो T1 से बाहर में खड़ा था, अरुण भाई से मुलाकात भी हो गई, अपनी वैगनार लाया था, उनका LED फॉग लैंप लगाया था वो भी देखा मैंने, तो मुलाकात हो गई। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा धुंधला आ रहा जनता, अब मस्त साफ हुए लाए। तो वहीं पे खड़ा था, T1 के बाहर ही खड़ा था, तो मुझे एक बुकिंग आता है जिंजर होटल, IBIS होटल के बाजू में जिंजर होटल है, वहां से बुकिंग आता है सीधा खारघर का, उबर का बुकिंग था, नोटिफिकेशन आया, मैंने उठा लिया, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया मैंने और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। जो फेयर मिला वो भी बताता हूँ आप लोग को और उसके बाद T2 पे कैसे आया उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग अभी आपको बताने वाला हूँ। तो खैर जो मुझे मिला था, 50 मिनट लगा था मुझे खारघर पहुंचाने में, 472 और 45 रुपया टोल मिला मुझे जनता। वहां गया खारघर में, खारघर में जाने के बाद एक मुझे बुकिंग लगता है, कहां गया बुकिंग, वो दिखा नहीं रहा यार यहाँ पे, मैंने कैंसिल किया था, कहां गया वो,
चलो बता ही देता हूँ, ओला का उबर का ही बुकिंग लगा था, उबर में एक बुकिंग लगा था वसई वेस्ट का, 1100 रुपया दिखा रहा था, लेकिन पैसेंजर देखा ना गोरेगांव स्टॉप डाला था, मतलब वो 90 किलोमीटर गोरेगांव स्टॉप होके 2.5-3 घंटा लग जाता, तौबा तौबा भाई, कैंसिल मार दिया मैंने कैंसिल मार दिया वो 1100 की बुकिंग का लालच छोड़ा, वैसे जस्ट कैंसिल किया मुझे, वैसे जस्ट खारघर में 6:50 में तुरंत T2 का बुकिंग लगता है, मैं T2 पैसेंजर को ड्रॉप किया 1:03 में आते समय, फना फन ले दमादम भाई हाई स्पीड में गाड़ी लेके आया, 474 देखो जाते समय 472 मिला, आते समय 474 रुपया मिला, मतलब सेम फेयर मिला और 45-45 टोल भी मिला जनता। तो इस तरह से जो काम अभी तक का हो गया, 2 बजे के बाद पहली बुकिंग लिया था उस हिसाब से अच्छा खासा काम हो गया, टोटल करके आपको बताता हूँ मैं, तो जो काम हुआ है जनता 2000 का काम हो गया है, और बाइक और पैसेंजर को लाया मैं, मुझे तुरंत उबर को बुकिंग देना चाहिए था, लेकिन भाई उबर ने खाली बुकिंग जो दिया है ना फ्रेंड्स, ओनली एक बुकिंग बजाया उसके बाद बंद हो गया, ब्लर आ रहा है कैमरा फ्रेंड्स, पीछे का कैमरा भी गंदा है, पसीना लग गया हाथ से, अब देखो ये T2 पे खड़ा हूं, तो T2 का सीधा आप लोग देख रहे हो ना ये पार्किंग है फ्रेंड्स, सीधा यहाँ से सीधा जाएंगे तो पार्किंग आ जाएगा, चलो वेट करते हैं यहाँ से फटाक से यार, उबर बच जाना चाहिए अभी तक, तो देखते हैं उबर कब बचता है, वैसे मुझे 4 कंटिन्यू बुकिंग आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो वेट करते हैं, अगर बुकिंग फटाक से बचता तो बचता है, तो फिर सीधा खाली घर पे निकलते फटाक से, क्योंकि आज सोया हुआ नहीं और नींद भी आ रहा है, काफी थक गया हूं, और 2000 का काम हो गया, और जो गाड़ी मैंने चलाया है फ्रेंड्स 143 किलोमीटर यहाँ पे चलाया है, और पहली बुकिंग लेके गया था 20 किलोमीटर और पकड़ लो, क्योंकि पहली बुकिंग के बाद आज CNG भरा था, तब टैंक रिसेट किया था मैंने, परेल में भरा था, यानी 20 किलोमीटर 170 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ गया, क्योंकि पहला जो बुकिंग एयरपोर्ट से सर्च का मिलता वो मिला ही नहीं, इसलिए ज्यादा गाड़ी चलाना पड़ा, तो भी ठीक है 170 में और एवरेज काफी अच्छा दे रहा है, अभी 5.CNG 143 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया, दिखाता हूँ, मुंबई में 2-3 दिन से ठंडा है ना, तो एवरेज काफी अच्छा दे रहा फ्रेंड्स, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 खूटी है और 143 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, कल से भी ज्यादा अच्छा एवरेज गाड़ी ने दिया है। तो फ्रेंड आज शुरुआत तो काफी बेकार हुआ लेकिन अंत काफी अच्छा हुआ, तो एयरपोर्ट पे था तो एयरपोर्ट पे बहुत ही घटिया घटिया बुकिंग्स आ रहे थे भाई, इतना गंदा फेयर आ रहा है, 240-250 रुपए में लोअर परेल आ रहा है, 300 रुपए में मरीन लाइन्स आ रहा है, निकल लिया मैं वहां से, बोला निकलो, मैं बोला घर ही चलता हूँ, 2000 का काम कर लिया हूँ चलता हूँ घर, तो जैसे साकीनाका जंक्शन के सिग्नल पे पहुंचता हूँ ना तो मुझे एक बुकिंग आ जाता है मरोल से, और वो बुकिंग आता लोअर परेल का, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं बोला लू नहीं लू, मैंने ले लिया, क्यों ले लिया कि ओला का था और सर्ज में था और जबरदस्त फेयर था, 18 किलोमीटर का 470 रुपया दिया ओला ने, इसमें एयरपोर्ट से बज रहा था तो 240 रुपया 15 किलोमीटर का, बाहर से लिया वही बुकिंग 18 किलोमीटर का 470 रुपया, डबल ऑलमोस्ट हो जाता है एयरपोर्ट से, लोग क्या ये लो, ओला उबर को लगता है ना एयरपोर्ट पे गरीब लोग आ रहे, वो फ्लाइट में टिकट बुक करके आते हैं ना, सब पैसा उनका खत्म हो जाता है फ्लाइट में, ओला उबर से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए एकदम वो साइकिल के भाव में वहां पे कैब बुक देते हैं एयरपोर्ट पे, ये हाल हो गया उन लोग का रात के 2 बजे के बाद से और सुबह के 9-10 बजे तक। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बुकिंग कंप्लीट किया लोअर परेल का, 1 घंटा 17 मिनट लगा फ्रेंड्स, देखो ये मस्त बुकिंग था 471 रुपया, एयरपोर्ट पे 1 घंटा रुक के मैंने बर्बाद किया, मोला अभी बुकिंग आएगी अभी, लेकिन वो कभी का हो गया भाई, कभी हो गया वो, तो फाइनली घर पे आ गया हूँ, और जो टाइम हुआ है अभी फ्रेंड 11:15 हो रहा है और घर पे आ गया, 2 बजे के बाद पहली बुकिंग लिया था, करीब 2:15 या 2:30 बजे पहली बुकिंग लिया था, एकदम बेकार दिन गया, वो भी 180 रुपए की एक बुकिंग मिली थी मुझे, घटिया बुकिंग, 2 बज चुका था, एयरपोर्ट के अंदर था तो बुकिंग लेके तो जाना ही था, कोई ना कोई जो आया उठाया बाहर निकला, और तब से कंटिन्यू बुकिंग बजा, हालांकि रुका नहीं उबर, दो ओला में और बाकी सब उबर ने जो काम किया मिला के 2500 का काम कर लिया, गाड़ी मैंने चला लिया 183 यहाँ पे, और बाकी एक CNG भरने से पहले एक बुकिंग किया था, तो 200 किलोमीटर मैंने पूरा गाड़ी चला लिया आज, 3 पॉइंट अभी भी CNG है, 183 किलोमीटर CNG भरने के बाद गाड़ी चला, तो इस तरह से अभी 3 पॉइंट CNG है और करीब 50-60 रुपए का CNG पहली बुकिंग में गया होगा, तो इस तरह से चलो आप CNG का भाव तो और सस्ता हो गया, तो अब आप उन पकड़ के चलते हैं 550 के CNG, तो जनता CNG का जो रेट है 2.5 रुपए KG और सस्ता हो गया, जब मैंने आज CNG भरा था पहले तो CNG का भर नहीं पाया, 2 बजे बुकिंग लेना पड़ा एयरपोर्ट से, क्योंकि गाड़ी में CNG भर नहीं पाया लंबी बुकिंग के हिसाब से, अपडेट नहीं हुआ था मशीन,
तो अपडेट हो गया, सीएनजी भरा 73.5 रुपए से सीएनजी भरा, जो कि 76 रुपए पहले रेट तरह से 550 के सीएनजी में आज मैंने काम किया है 2500-2450 जो भी आप समझो। और घर पे आ गया हूँ और 11:15 बजे ही घर पे आ गया, यानी 2 बजे तक पहली बुकिंग लिया था, यानी 10 घंटा लमसम पकड़ के चलो मैंने काम किया है और अच्छा काम किया है। एक तरह से मैं एकदम बढ़िया समझता हूँ इसको, इस काम को बढ़िया समझता हूँ। ये काम बहुत ही अच्छा है, जिस हिसाब से सीएनजी गया, टाइम गया और लास्ट बुकिंग में खाली ट्रैफिक मिला, बाकी सभी बुकिंग आराम से बिना ट्रैफिक के किया। और आखिरी बुकिंग में ट्रैफिक इसलिए मिला कि पैसा भी मिला है, 18 किलोमीटर का लगभग 450 रुपया भी तो मिला जनता। तो ये था आज का ज्ञान समाप्त। बूम बाम बोले तो पब्लिक, बूम बाम।